दोस्तों, हम योग के बारे में आपको जानकारी दे रहे थे। ये हमारा योग का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में बहुत तथ्यपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे, तो ये वीडियो आपको आखिर तक जरूर देखना है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि योग के जो अष्टांग योग होते हैं, अष्टांग योग कौन कौन से है, उनका क्या क्या फायदे है, कैसे कैसे करना चाहिए, ये बातें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश चौधरी हमारे निरामयी वसुधा यूट्यूब चैनल में आपका सर से स्वागत करता हूँ। शिव संहिता में योग की प्रशंसा में क्या कहा है वो हम आपको बताते थे। उसके बारे में कहा है, यस्मिनत् ज्ञायते सर्वम् इदं ज्ञातं भवति निश्चितं तस्मिन् परिश्रमः कार्यं किम् अन्यत् शास्त्रं भाषितम्। मतलब हठ योग, राजयोग और ध्यान योग साधना प्राप्त होने के बाद, ज्ञात होने के बाद में दुनिया का सब ध्यान हमें प्राप्त हो जाता है, तो फिर दूसरा अन्य शास्त्र पढ़ने की हमें जरूरत क्या, इसी प्रशंसा योग के बारे में शिव संहिता में कही गई है। आगे देखेंगे कि योग और आयुर्वेद का क्या संबंध है, कोरिलेशन बिटवीन योग एंड आयुर्वेद। इसके बारे में हम ऐसा कह सकते हैं कि इसमें त्रिगुण और पंचभौतिक का जो तत्वध्यान बताया गया है या सिद्धांत कहे गए हैं, ये दोनों के ही आधारभूत सिद्धांत है, दोनों शास्त्रों के आधारभूत सिद्धांत है। इसके अलावा दोनों शास्त्रों में रस वीर्य विपाक का वर्णन हमें मिलता है। ये दोनों के दोनों शास्त्र भारत भूमि में ही जन्मे हैं, भारत भूमि में ही ये रचे गए हैं, इसलिए इनका ओरिजिन हमारी भारत भूमि है, भारत देश ही है। इसके अलावा ये दोनों शास्त्र जो होते हैं, ये शरीर पर संस्कार करने वाले शास्त्र होते हैं। जैसे कि आयुर्वेद में पारा, जिसे हम मरकुरी कहते हैं, तो इसके जारण मारण संस्कार करने के बाद में इसको स्थिर करते हैं और फिर उपयोग में लाते हैं, वैसे ही योग शास्त्र में मन पर संस्कार करके, प्राणायाम करके शरीर को और मन को हम स्थिर करते हैं, तो ऐसा ये योग शास्त्र होता है। ये योग शास्त्र और आयुर्वेद शास्त्र दोनों के ये सिद्धांत शरीर के लिए ही बहुपयोगी है। आगे देखेंगे मन और वायु का परस्पर संबंध क्या होता है, तो वायु वात इस संयम से मन पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। इसके बारे में हठ प्रदीपिका में कहा है कि रसस्य मनसा चैवम चंचलत्वम स्वभावतः रसोबद्धो मनोबद्धा किम न लभते भूतले। मतलब अगर हम जो मन होता है हमारा बहुत ही चंचल होता है, तो ये इसका स्वभाव ही मुख्यतः मूलतः स्वभाव ही चंचल होता है, तो अगर हम रस को काबू कर सकते हैं, मतलब मर्क्यूरी को काबू कर सकते हैं, मन को वायु द्वारा उसके संस्कारों द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, तो अगर ये पारा मन जो बहु चंचल होता है, मन और पारा इन दोनों को अगर हम काबू कर सकते हैं, तो दुनिया में हम और कोई चीज़ बेकाबू नहीं रख सकते, सब चीज़ों को हम काबू में रख सकते हैं, ऐसा हठ प्रदीपिका में कहा है। किम न लभते भूतले, मतलब इन दोनों को कंट्रोल कर दिया जाता है, काबू में कर दिया जाता है, तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब इतने बहु चंचल पारा और बहु चंचल मन को हम योग द्वारा काबू में कर सकते हैं। आगे कहा है, मनस्तैर्य स्थिरो वायु ततो बिंदु स्थिरो भवेत बिंदु स्तरिया तो सदा सत्वम पिंड स्तैर्यम प्रजायते, ऐसा हट प्रदीपिका में कहा गया है। अगर मन स्थिर होता है तो वायु स्थिर होता है, वायु द्वारा मन स्थिर होता है, फिर बिंदु मतलब वीर्य स्थिर होता है, एक बार वायु शरीर का स्थिर हो गया तो बिंदु मतलब वीर्य भी स्थिर हो जाता है, वीर्य स्थिर होता है तो सत्व बल स्थिर होता है, और सत्व बल स्थिर हो जाता है तो ओज वृद्धि होती है, ओज स्थिर होता है, और ओज स्थिर होता है तो देह भी स्थिर होता है, ऐसा ये हट प्रदीपिका में ऐसा सीक्वेंस बताया गया है। मन, वायु, बिंदु और सत्वबल और देह, ये सीक्वेंस में हम एक एक करके सबको स्थिर कर सकते हैं। योग और आयुर्वेद का हम संबंध देख रहे थे कि ये दोनों शास्त्रों की टर्म्स और टर्मिनोलॉजी तकरीबन सेम ही है, एक समान ही है। आयुर्वेद में शरीर शुद्धि के लिए जो पंचकर्म वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्तमोक्षण कहे गए हैं, वैसा ही योग शास्त्र में योगासन, प्राणायाम, धौती, नौली ऐसी क्रियाएँ बताई गई है। आयुर्वेद चिकित्सा जो होती है उसे मर्यादा है, ऐसा आयुर्वेद ग्रंथों में ही कहा गया है, लेकिन योग चिकित्सा में हम इसके भी आयुर्वेद चिकित्सा के आगे जा सकते हैं, जिससे कि हम जप, तंत्र, मंत्र ये योगिक क्रियाओं द्वारे उसको संपन्न कर सकते हैं, उस पर चिकित्सा कर सकते हैं। आयुर्वेदिक उपायों से आयुर्वेद शास्त्र में चिकित्सा कही गई है, तो वहीं पर योग शास्त्र में योगाचरण द्वारा या फिर योग के प्रमाद से उत्पन्न होने वाली व्याधियों का निराकरण करने के लिए हम योग द्वारा उन पर काबू कर सकते हैं, ऐसा योग ग्रंथ में कहा गया है। हठ प्रदीपिका में कहा गया है, वैद्यकम शास्त्रोक्तम विधिनाम क्रियाम कुरिता यत्नतः कुर्यात योग चिकित्सा सर्व रोगेशी रोगवित। मतलब वैद्यक शास्त्र में जो चिकित्सा पद्धति कही गई है वो अनेक तरह के विधि करने से प्राप्त की जा सकती है, लेकिन योग शास्त्र में सिर्फ योग द्वारा ही रोगों को हम शांत करते हैं या काबू में करते हैं। दोनों शास्त्रों का संबंध कहते हुए आगे है,
कि इन दोनों शास्त्रों में हित और अहित कर आहार वर्णन दोनों का ही तकरीबन सेम ही है, समान ही है। सांख्य तत्व ध्यान जो है ये दोनों शास्त्रों को स्वीकृत है, दोनों शास्त्रों को मान्यता है। हठ योग और आयुर्वेद ऐसा ये दोनों के दोनों शास्त्र अष्टांग युक्त है, मतलब योग भी अष्टांग अंगों का है और आयुर्वेद भी अष्टांग योगों का है। ये दोनों शास्त्रों परस्पर पूरक है, परस्परों का आदर करते हैं, ऐसा योग और आयुर्वेद का बहुत ही घना संबंध हमें दिखाई देता है। आयुर्वेद में योग का वर्णन हमें मिलता है, जैसे कि शरीर में छिपे हुए शल्य को निकालने के लिए, ढूंढने के लिए हमें प्रनष्ट शल्य अध्याय सुश्रुता में कहा गया है, तो वैसे ही योग शास्त्र में विविध उपायों से शरीर में अगर कहीं पे शल्य है, मतलब फॉरेन बॉडी है, तो वो हम प्राणायाम करके शरीर में जिस स्थान पर वेदना होती है उस स्थान में शल्य है ऐसा प्राणायाम करने के बाद में योग शास्त्र में कहा गया है कि प्राणायाम द्वारा वो हमें जानना चाहिए। सुश्रुता में योग का वर्णन हमें ऐसा मिलता है कि प्राणायाम वात मूत्र पुरुषा शुक्रोत्सर्ग यत सरंभो वेदना वा भवति तत शल्यम विजानियात। प्राणायाम करने से जिस स्थान पर वेदना होती है उस स्थान पर शल्य है ऐसा जानना चाहिए, ऐसा सुश्रुत जी ने भी कहा है। आगे बात करेंगे अष्टांग योग की, जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये जो अष्टांग योग है तो इसमें से जो यम और नियम होता है, तो ये यम जो है, यम मतलब क्या है कि व्यक्ति को दूसरों ने अपने प्रति कैसा आचरण करना चाहिए, वो कौन सा आचरण दूसरों ने अपने प्रति करना चाहिए, जिसे वो पसंद करता है वही आचरण उसने खुद ने भी दूसरों के प्रति भी करना चाहिए, इसी का नाम यम है। नियम मतलब नियम क्या है कि आदमी इंसान ने अपना जीवन कैसा व्यतीत करना चाहिए, तो अहिंसा सत्य अस्तेय मतलब चोरी न करना, ब्रह्मचर्य पालन करना, अपरिग्रह, इन नियमों का धारण करते हुए पालन करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए, इसे नियम कहते हैं। आसन जो कि इसका वर्णन हम आगे आपको बताएंगे, इसके बहुत सारे प्रकार है, हर एक अवयव के हिसाब से आसन बताए गए हैं, कुल 84 प्रकार के मुख्य आसन है। प्राणायाम इसके मुख्यतः पूरक क्रेचक कुंभक अंतकुंभक बहिकुंभक ऐसे 5 उपभेद है। सांस लेने से दूसरा सांस बाहर छोड़ने तक के समय के बढ़ाना और प्रतिकार शक्ति बढ़ाना, इसी को प्राणायाम कहते हैं। आगे अष्टांग योग में से बात करेंगे समाधि की। समाधि मतलब क्या है, तो समाधि यह विषयों को मन से दूर करना, आत्मा द्वारा उसे नियंत्रित करना, और यह समाधि की अवस्था तक साधने वाले को महासुख की प्राप्ति होती है, दुख नाश हो जाता है, ऐसे ये समाधि की अवस्था होती है। प्रत्याहार योग का अगला अंग है प्रत्याहार। प्रत्याहार मन मतलब मनोरोग को नष्ट करना, इंद्रियों का जो मनोभोग होता है उसे यथावश्यक ही देना, ज्यादा उसके भोग की लालसा न करना, नियंत्रण में रखना, जैसे कि व्यसनाधीनता होती है, व्यसनता छुड़ाना या फिर उस पर काबू करना, ये सब बातें प्रत्याहार में आती है। विषयों का जो भोग होता है, इंद्रियों का जो भोग होता है उसकी तरफ आकृष्ट न होना, उसे अलिप्त रहना या दूर रहना, यही प्रत्याहार है। आगे है धारणा। धारणा मतलब क्या है, तो मनोधैर्य बढ़ाना है, चैतन्य शक्ति बढ़ाना है, इससे यह धारणा हम जो हमारा भ्रूमध्य होता है, भ्रूमध्य या फिर नासिकाग्र में एक समान देखते रहना, इसे हम हमारी धारणा शक्ति बढ़ा सकते हैं। मनो का जो व्यापार होता है, जो प्राणाधीन होता है, तो ये चंचलता इसकी कम करना, प्राण स्थैर्य करना, अगर प्राण स्थैर्य होता है तो मन स्थैर्य होता है, प्राण क्षोभित होता है तो मन क्षोभित होता है, इसके बारे में पतंजलि योग में बहुत अच्छा कहा गया है। प्राणाधीतनया मनोव्यापारस्य प्राणस्थैर्येण एव मनस्थैर्य, मनक्षोभेण प्राणक्षोभात प्राणक्षोभेण मनक्षोभः, मतलब अगर हमें मन का व्यापार जो है हमें प्राण द्वारा उसको नियंत्रित करना चाहिए, प्राण स्थिर है तो मन स्थिर है, अगर मन क्षोभित होता है तो प्राण क्षोभित होता है, प्राण क्षोभित होता है तो मन क्षोभित होता है, ऐसा ही मन और प्राण का परस्पर संबंध पतंजलि योग में कहा गया है। योग का अगला 8वां अंग है ध्यान। ध्यान मतलब चित्त को एकाग्र करना, ईश्वर में लीन हो जाना, भौतिक जगत को भूल जाना और परमात्मा में एक हो जाना, इसी को ध्यान कहते हैं। तो दोस्तों ये थे योग के अष्टांग, ऐसा हमारा ये अष्टांग योग है जो हमने सिर्फ उसको आसनों तक सीमित रखा है, लेकिन ये ऐसा है नहीं। योग से जो याप्य व्याधि होती है, तो ये याप्य व्याधि मतलब जो कष्टदायक व्याधि होती है, व्याधियों के प्रकार होते हैं, सुख साध्य कष्ट साध्य, याप्य मतलब महाकष्ट साध्य होती है, और असाध्य होती है जो साध्य ही नहीं होती, जो ठीक ही नहीं होती, तो जो कष्टदायक होती है वो सुख साध्य होती है, और जो असाध्य होती है जिसका कि कोई प्रतिकार नहीं चलता है उसमें योग काम करता है, तो उसके बारे में शिव स्वरोदय संहिता में कहा है कि योग मासात समायन्ति साधु याप्यास्तु साध्यताम असाध्य जीवितम ग्रहन्ति न तत्रास्ति प्रतिक्रिया। मतलब क्या है कि जो कष्टदायक व्याधि है उसको सुखदायक या सुख साध्य हम कर लेते हैं, लेकिन जो असाध्य है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जिसके लिए कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं हो सकती, तो ऐसे भी हम योग द्वारा उसको साध सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे जो ये अष्टांग योग है इसके फायदे आगे हम बताते हैं आपको।
जैसे कि चरक संहिता के शारीरिक स्थान में चरक जी ने कहा है, योग मोक्षेच सर्वसाम वेदनाम अप्रवर्तनम, मतलब योग द्वारा हम सभी प्रकार की वेदनाओं को दूर कर सकते हैं। तो ऐसा चरक जी ने भी उनके शारीरिक स्थान में कहा है। आगे चरक जी उनके सूत्र स्थान में कहते हैं, समाधि विषयेभ्य निवर्त्य आत्मनि मनसो नियमम, मतलब अष्टांग योग का जो समाधि होता है ये हम आत्मा और मन को विषय से नियंत्रण कर सकते हैं समाधि द्वारा, ऐसा चरक जी ने उनके सूत्र स्थान में कहा है। आगे कहा है, योगो वेदना निवर्तको भवति तस्मा विषय उपदानार्थम मनसा अनारंभात मन विषय निवृत्ते केवल आत्म ध्यानस्य तीरे इति अचले आत्मध्यान प्रसक्तः एवं इति यावत सुख दुखम न वेति योगे धर्मांतर प्राप्तिम आह अष्टविध ऐश्वर्यम बलम वशित्वम शरीरे सम वर्तमाने अपि वशित्वम। तो ऐसा जो योग है ये हमें अष्ट प्रकार के फायदे देते हैं, जैसे कि हमारे मन को विषयों से दूर करना, हमें केवल आत्मा का ज्ञान देना, मन और प्राण को स्थिर करना, मन को जो चंचल होता है उसे अचल बनाना, आत्मज्ञान से हमें प्रवृत्त करना, सुख दुख के वेदनाओं से हमें दूर करना, जो अष्टविध ऐश्वर्य है अणिमा महिमा लघिमा वशित्व ईशित्व कामासित्व, ये जो अष्टविध ऐश्वर्य है इनकी प्राप्ति करके देना योग द्वारा हमें संभव होता है, ये योग के फायदे हैं। आगे चरक जी कहते हैं कि अहितेभ्य अर्थेभ्य मनोनिग्रह, जो अहितकर चीज़ें होती है हमारे जीवन के बारे में उन चीज़ों से मन का निग्रह करना, यही योग है। कोई भी शास्त्र खुद के उपयोग में लाने के लिए उस शास्त्र का सतत अभ्यास करना जरूरी होता है। जैसे कि योग एक दिन कर दिया तो हमें इसके फायदे नहीं मिलेंगे, तो आपको ये योग आपके जीवन का आपके हर दिन क्रम में आपको करना है, योग के साथ जीना है, योग का सतत अभ्यास करना है, तभी जाके मैंने जो आपको योग के जो फायदे बताए योग के फायदे आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। इसलिए ये जो योगाभ्यास होता है इसको टालना नहीं चाहिए, टालम टाल नहीं करनी चाहिए, ये नित्य करना चाहिए, योग को समझना चाहिए। अगर योग को आप समझेंगे नहीं तो आपके जीवन में आप खुद ही विघ्न ला रहे हैं, ऐसा शिव संहिता में कहा है। इसके बारे में उन्होंने कहा है, सततताभ्यासम योगे न सिद्धो भवति न अन्यथा सत्यम सत्यम पुनः सत्यम मम तुल्य भवेत ध्रुवम। शिव संहिता में कहा है कि आप योगाभ्यास नियमित कीजिए, इससे ही आपके जीवन का सार्थक और मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। ऐसा हम एक बार नहीं बार बार कहते हैं, पुनः पुनः कहते हैं, इतनी प्रशंसा योग के बारे में शिव संहिता में कही गई है। अभी हम आपको बताएंगे योग सिद्धिकर भाव, योग की सिद्धि प्राप्त करने के लिए कौन कौन से ऐसे भाव होते हैं जो योग को प्राप्त करने के लिए हमें उपयुक्त हो सकते हैं। तो उसमें है यम नियम के स्वरूप से आचरण करना, आहार विहार एवं निद्रा मानसिक चिंतन करना, आहार में मधुर एवं स्निग्ध पदार्थों का ज्यादा होना, मिताहार करना, मतलब जो आहार हम लेते हैं उसके चार भाग करने चाहिए, दो भाग खाना खाने के लिए, एक भाग पानी के लिए, एक भाग वायु के संचरण के लिए करना चाहिए। ऐसे हमारे स्टमक के मतलब जो आमाशय होता है उसके चार भाग करने और चार भाग में ऐसा डिवाइडेशन करना चाहिए। मिताहार करना चाहिए, रजतम आहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो तामसिक गुण बढ़ाता, ऐसा आहार नहीं करना चाहिए। सात्विक आहार हमारे आहार में बढ़ाना चाहिए जो हमारे शाकाहार से हमें प्राप्त होता है। रज और तम में मांसाहार आता है तो मांसाहार टालना चाहिए। तुरंत खाने के बाद में या फिर भूख लगी हो ऐसे दोनों वक्त योग नहीं करना चाहिए। योग करने के नियम होते हैं, इसके बारे में शास्त्र में कहा है, सद्यो भुक्तो अपि शुद्धिते न अभ्यासा क्रियते बुद्धि, मतलब एक होशियार आदमी ने भूख लगी है तब और खाना खाने के बाद में योग क्रियाएं या फिर योग अभ्यास नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये था हमारा योग के बारे में दूसरा वीडियो। हम आशा करते हैं कि आपको जरूर अच्छा लगा होगा हमारे योग के बारे में, अष्टांग योग के बारे में हमने जो जानकारी आपके साथ में शेयर की है। अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आपने ये वीडियो आखिर तक देखा इसलिए आप सबका धन्यवाद।